तो मैंने बोला था ये क्या है, एक प्रोसेस है, राइट। और ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस में चेंज हो रहा होता है, राइट। अच्छा, तो आखिर होता क्या है केमिकल रिएक्शन? बेसिकली केमिकल रिएक्शन को अगर वन वर्ड में बोला जाए तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, या फिर इसको ओल्ड थोड़ा सा ना जैसा लग रहा है पुराना की तरह लग रहा है, ऐसे मत कर दो, इसको एग्जिस्टिंग कर लो यहाँ पर, है ना। तो ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन, राइट। अब क्या यस मतलब है सर। इसका, बॉन्ड समझते हो? बॉन्ड थोड़ा बहुत 9th में बता दिया गया होगा हमको लग रहा है, हल्का सा बॉन्ड बताया गया है, नहीं बताया गया? ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स डिस्कस। थोड़ा सा आइडिया होगा, आई नो, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स समझते हो या इंटर पार्टिकल फोर्स? हाँ, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है उसको इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं, राइट। तो पता है ना, एक पार्टिकल एटम भी होता है और आयंस भी पार्टिकल ही होता है, राइट। यस तो हाँ, तो एटम्स और आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ठीक, तो एटम से आयन्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं। तो जब भी कहीं बॉन्ड शब्द आए ना, केमिकल बॉन्ड, इसमें ये बॉन्ड है वो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो सिंपल मतलब यही है कि इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन अट्रैक्शन व्हिच वर्क्स बिटवीन एटम्स और आयंस, राइट। समटाइम इट्स ऑल्सो वर्क बिटवीन मॉलिक्यूल्स, समटाइम बिटवीन मेटल्स, है ना। कोई पार्टिकल्स होता है, जनरली हम लोग यही लेके चलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड। तो अब देखो, जैसे कौन सा एग्जांपल है, एच टू वाला एग्जांपल लेते हैं। तो एच टू क्या है, जब ब्रेक होता है तो एच टू प्लस ओ टू बनता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँ बॉन्ड कैसे होगा, ये ऐसे बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, ये मैं पढ़ा दूंगा आगे आने वाले चैप्टरों में, बट यहाँ पर समझ लो ऐसे बॉन्ड यहाँ पर है ठीक। और इधर देखो बॉन्ड कैसे बना है, इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है और इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड है। तो देखो ये पुराना जो बॉन्ड था, है ना ठीक, ये वाला जो पुराना बॉन्ड था ये टूटा है और एक नए तरह का बॉन्ड बना है इधर, एक क्या दो बॉन्ड बने हैं नए तरह के, राइट। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन, क्या बोलते हैं? हाँ, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। मुझे पता है ना, ये पसंद आया होगा, है ना। और एक और चीज मैं, चलिए आपको स्क्रीन पर अपने दिखाता हूँ, पता नहीं मैं रखा हूँ या फिर उसको डिलीट कर दिया हूँ, है ना। लेट मी